Hello viewers, how are you? During this meeting, I'm going to discuss with you about the personality in the context of the management and the organization, and which theories of personality will help you to understand the context of management and help you to be a better manager in the organization. And this video is bilingual again, English and Urdu. Dono hi zubanon ke andar baatcheet hogi aapse, taki ye message jo hai cross pahunche. तो सबसे पहली बात पर्सनैलिटी. पहली बात, व्हाई डू मैनेजर नीड टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी? क्या ऐसी जरूरत है कि उनको पर्सनैलिटी के हवाले से मालूम किया जाए? तो मैनेजमेंट इज अबाउट द मैनेजिंग ऑफ द पीपल, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो मशीन्स नहीं हैं, नंबर्स नहीं हैं, दे हैव द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर लोगों की पर्सनैलिटी के हवाले से मुख्तलिफ राय तो कायम करते ही रहते हैं. बस अगर आपका कोई दोस्त है, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और आपका एक दोस्त है जिसका नाम लेट्स से जॉय है, और वो बहुत ही जोक करता रहता है, लोगों को हंसाता रहता है, और एक और आपका फ्रेंड है जो कि सलमान है, उसका नाम बहुत खामोश है और बड़ा रिजर्व सा है. तो जो को आप कहेंगे, जॉय को आप कहेंगे बड़ा फन पर्सन है, और इसको लोग कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्टेड है. एक्सट्रोवर्टेड इस सेंस में कि बाहर की लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करता है, जबकि आप सलमान के बारे में ये कह सकते हैं ये थोड़ा इंट्रोवर्टेड सा है इस मामले में कि अपने एक कंपनी को और कुछ लोगों के इंडिविजुअली कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करता है. अब ये दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जॉय भी और सलमान भी, और इसी तरह जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं उनके अंदर दोनों ही पर्सनैलिटीज़ का एक रोल है. कुछ काम होंगे जिसके अंदर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना ज़्यादा अहम होगा, तो जॉय की पर्सनैलिटी वहाँ ज़्यादा मौजू रहेगी. इसी तरह सलमान की पर्सनैलिटी उन कामों के लिए ज़्यादा मौजू रहेगी जहाँ इंडिविजुअली बैठकर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा डिटेल के अंदर काम करना पड़ेगा. मतलब तो ये एक जनरल मैंने एक आइडिया आपसे बात की है, पर इसके हवाले से ज़्यादा और भी बड़ी चीज़ अहम है कि एबिलिटी क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है इस हवाले से. तो पर्सनैलिटी इस हवाले से अहम है कि हाउ द पीपल बिहेव, थिंक एंड फील. And people personalities can have a strong impact on what they choose to do and how they perform at the work and how well they succeed in the life as well. So, अभी हम कुछ theories को discuss करते हैं personality के हवाले से, and that's basically बहुत सारी मुख्तलिफ theories हैं personalities के हवाले से, बहुत सारे twists and turns हैं theories के हवाले से, लेकिन हम कुछ broad count के अंदर कुछ तीन theories का जिक्र करेंगे यहाँ. एक है trait theory, एक socio cognitive theory, एक humanistic approach है. ये कुछ डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, और थोड़ा डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव है तीनों का, इसलिए इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं. तो लेट मी शेयर स्लाइड्स विद यू. सबसे पहली बात तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन. पर्सनैलिटी की डेफिनेशन इज अ स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इंटरनल स्टेट्स ऑफ माइंड दैट हेल्प एक्सप्लेन अ पर्सन बिहेवियरल टेंडेंसीज. बिहेवियरल टेंडेंसीज से मुराद ये है कि इसके क्या उनकी सोच है, क्या उनकी फीलिंग है, और सोच और फीलिंग की बुनियाद के ऊपर वो किस तरीके से एक्ट करते हैं. तो एक स्टेबल पैटर्न जो कि एक मुसलसल एक पैटर्न एक आपको नजर आ रहा हो उस पर्सन के ऑब्जर्वेशन के अंदर के पर्सन किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से महसूस करता है, वो जो है उनकी बिहेवियरल टेंडेंसी, दैट हाउ दैट पर्सन इज एक्चुअली लाइक टू बी. किस तरह का ये आदमी, जब किसी पर्सन को आप एक्सप्लेन करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को एक्सप्लेन कर दें, तो ये पर्सनैलिटी उस हवाले से बात की जाती है. अब इसमें मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं. यू आर वॉट यू आर, द ट्रेड अप्रोच, पहली ट्रेड अप्रोच है उसको हम डिस्कस करते हैं. और ट्रेड अप्रोच डेवलप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, ऑपरेशनलाइज्ड एंड मेजर्ड. ट्रेड अप्रोच ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 1930s में, जब एल्पर्ट एंड ऑर्बर्ट ने 1936 में आइडेंटिफाई किए मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स को लोगों को डिस्क्राइब करने के हवाले से. अच्छा, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड से मुराद ये है कि वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रिपीटेटिवली उस पर्सन के अंदर पाया जाता हो. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी जॉय की और सलमान की, तो जॉय जो है उसके अंदर एक आपको नजर आ रहा है कि उसकी थोड़ी फनी सी तबीयत है,
और हंसी मजाक करना, जोक्स सुनाना, फनी इंसिडेंट्स बताना, तो एक आपको लाइट मोड के अंदर लाइट हार्टेड पर्सन आपको नजर आता है। तो उन्होंने बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स जो कि डिक्शनरीज के अंदर भी मौजूद थे और डिस्क्रिप्शन मौजूद थी, 18,000 वर्ड्स आइडेंटिफाई किया और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसका एक फैक्टर एनालिसिस किया और फैक्टर एनालिसिस में उन्होंने कुछ बुनियादी ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए कि ये ट्रेड्स हैं जिनकी मदद से इंसानों को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो अब इसके हवाले से जो स्टेटिस्टिकल मेथड उन्होंने यूज किया उसको हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, और फैक्टर एनालिसिस एक ऐसा स्टेटिस्टिकल मेथड है जो कि विच डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी अमंग वेरिएबल्स बाय आइडेंटिफाइंग इंटर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इंडिकेट अंडरलाइंग फैक्टर। अंडरलाइंग फैक्टर का मतलब है अगर आप मतलब अगर जो को हम कहेंगे जी वो फनी है, फ्रेंडली है, ईजी टू गेट अलॉन्ग है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स हैं क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसकी एक टर्म अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो कि जो की पर्सनैलिटी को का इजहार करता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रोवर्शन। एक्स्ट्रोवर्शन के अंदर ये जो बाकी जितने एसोसिएटेड ट्रेड्स हैं जिसमें फ्रेंडली, इजी टू गो अलोंग, एंजॉय एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स एंड टेकिंग रिस्क, ये सारे उसी फैक्टर को कि ब्रॉडर फैक्टर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये फैक्टर एनालिसिस है जिसके अंदर टर्म्स को जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है ब्रॉडर फैक्टर के हवाले से, ये जो आपको टर्म्स हैं उनके अंडरलाइंग फैक्टर क्या है उस फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उस फैक्टर को जो है ताकि बहुत सारी टर्म जहाँ 18,000 टर्म्स हैं उनको फैक्टर एनालिसिस करके उसको नैरो डाउन करके कुछ खास टर्म्स के ऊपर जो है कुछ खास फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के हवाले। बहरहाल पर्सनैलिटी के हवाले से जो कि फैक्टर एनालिसिस के हवाले से मैकेयर एंड कॉस्टा की जो मशहूर थ्योरी है बिग फाइव की वो ज़्यादा मशहूर है पर्सनैलिटी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के हवाले से। बहुत सारे एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के हवाले से, इन्होंने फाइव बिग पर्सनैलिटी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है और काफ़ी इस पर रिसर्च एविडेंस भी मौजूद है, काफ़ी रिलायबल ट्रेड बेस्ड अप्रोच है जिसकी मदद से पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई किया था। पर्सनैलिटी में फिर आपको ये बताऊंगा कि रेफर टू द मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस दैट कैरेक्टराइज पर्सन थॉट्स एंड एक्शन थ्रू आउट देयर लाइफ्स, और उसके जरिए से जो आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न उनके अंदर नजर आ रहा है उसको ट्रेड कहा जाता है, और ट्रेड थ्योरी यही एक्सप्लेन करती है कि व्हाट द पर्सन आर। अगर आपने किसी को एक्सप्लेन करना हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादातर लोग ट्रेड थ्योरी का सहारा लेते हैं जब वो बताते हैं कि अगला पर्सन किस तरह का है। बहरहाल बहुत सारी बुक्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बुक देख लें, मैनेजमेंट के बुक देख लें, इनका NEO-PI आपको इनका क्वेश्चनर भी मिल जाएगा गूगल के ऊपर जिसके जरिए से आप पर्सनैलिटी टेस्ट रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से ट्रेड जो है इस वक्त आपके अंदर ज्यादा नुमाया है। इस हवाले से अगर हम ये देखें कि बहरहाल आपकी बुक में ये आपको फाइव फैक्टर जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए मैकेरा एंड कोस्टा ने, उसमें पहला फैक्टर था इमोशनल स्टेबिलिटी का, और इमोशनल स्टेबिलिटी से मुराद ये थी कि पर्सन कितना काम वर्सेस एंशियस, सेल्फ सेटिस्फाइड वर्सेस सेल्फ पिटिंग, सिक्योर वर्सेस इनसिक्योर, इमोशनली स्टेबल वर्सेस इमोशनली अनस्टेबल। एक किस्म के आप डायमेंशन देख लें, डायमेंशन के अंदर जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया, फिर एक्स्ट्रोवर्जन जैसा मैंने पहले भी कहा कि पर्सन कितना सोशेबल है, कितना रिजर्व है, कितना असर्टिव है, कितना शाय है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रोवर्जन के अंदर अंडर आती हैं, यानी एक रेंज के अंदर लोग जो हैं कोई लो एक्स्ट्रोवर्जन जो होंगे वो शाय की तरफ चले जाएंगे, जो हाई एक्स्ट्रोवर्ट होंगे वो ज़्यादा सोशेबल हो जाएंगे। फिर ओपननेस से मुराद ओपननेस रेफर टू द पर्सनल अप्रोच टू द लाइफ के कितने इंडिपेंडेंट हैं वर्सेज कन्फर्मिंग, कितने ब्रॉड माइंडेड हैं वर्सेज नैरो माइंडेड, और कितने वो क्रिएटिव हैं वर्सेज प्रैक्टिकल। और फिर एग्रीएबलनेस एक और डायमेंशन है इसको, हाउ पीपल गेट अलॉन्ग विद अदर, कितना वो लोगों के साथ कितने जल्दी घुल मिल जाते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वेदर दे आर वार्म हार्टेड वर्सेज रूथलेस, ट्रस्टिंग वर्सेज डिस्ट्रस्टिंग, हेल्पफुल वर्सेज नॉन कॉम्पिटेटिव। और फिर उनकी एक लास्ट डायमेंशन है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस रेफर्स टू हाई वर्सेज लो टॉलरेंस फॉर रिस्क, एंड वेल ऑर्गेनाइज वर्सेज डिसऑर्गेनाइज, वेल डिसिप्लिन वर्सेज इम्पल्सिव। तो अगेन ये एक डायमेंशन है जिसके अंदर आप देखते हैं कि लोगों की टेंडेंसी जो है वो किस तरीके से और किस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये एक पर्सनैलिटी की थ्योरी है जिसको ट्रेड थ्योरीज कहा जाता है, इसमें बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी एक मशहूर थ्योरी है मैकेयर एंड कोस्टर की, और
ये आप एक्सप्लेन करते हैं, यू आर व्हाट यू आर, जो कि आप हैं उसके हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद एक और थ्योरी है जिसको यू आर व्हाट वी थिंक, जिसको हम सोशो कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं, और बेंट्रुआ जो है इनमें जो है वो लीडिंग, अल्फ्रेड बेंट्रुआ जो है उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है इस काम के हवाले से। और उसका एक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, इंसान जो है वो अपने उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो प्रोडक्ट है उसके बिहेवियर का, उसकी थॉट्स का और उसकी फीलिंग्स का इन इंट्रैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट जो है वो उसके ख्यालात को, उसके जज्बात को और उसके अमल को और उसके रवैये को असरअंदाज करती है। तो किसी भी पर्सनैलिटी जो है वो रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी लोग मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर बिहेव करते हैं। मसलन लेट से समाना एक लड़की है और वो जो है एक क्वाइट और रिजर्व होम से बिलोंग करती है और किसी ऐसी जगह पर काम करती है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइजी प्लेस है, लेट्स से मैकडोनल्ड्स है और मैकडोनल्ड्स के अंदर बड़ी नॉइजी प्लेस है, बड़ी जगह इस तरह की है, काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्राउडेड है और ऐसी जगह पर वो काम कर रही है, तो ऐसी जगह के ऊपर वो ज़्यादा खामोश हो जाएगी, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर लेगी, क्योंकि ये नहीं कि वो अनसोशियबल है, लेकिन क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो है उसके लिए उस तरह का कंड्यूसिव नहीं जैसे एनवायरनमेंट के अंदर उसकी परवरिश हुई है, उस वजह से वो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर रिजर्व हो जाए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेंड्रुआ की जो सोशो कॉग्निटिव अप्रोच है। और एक जो बड़ी अपीलिंग सोशो कॉग्निटिव फैक्टर है, एक तो रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के मैंने आपको कहा कि उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो होता है इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो क्या वो सोच रहा है, क्या वो कर रहा है, वो अफेक्ट होती है। दूसरा एक और जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर सोशो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर दिया गया है वो लोकस ऑफ कंट्रोल के हवाले से दिया, और ये डेवलप किया रॉटर ने 1966 में, और आपकी बुक में लोकस रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल सर्वे भी दिया गया, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको अपना रुझान पता चलेगा कि आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। और ये हमने पहले डिस्कस किया था स्कीमा थ्योरी के दौरान कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन थ्योरी को जब डिस्कस किया था, एट्रीब्यूशन एरर्स को जब डिस्कस किया था कि इंटरनल एट्रीब्यूशन एरर हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन एरर हैं, तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो लोकस ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट हैं। आप जैसे कि अगर आप किसी गली से जा रहे हो और अचानक लड़खड़ा के गिर जाए तो देखें तो ईंट नीचे रखी हुई हो किसी ने, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और वो ईंट वहीं रख कर चले गए, अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो हो या तो मुझे नजर ही नहीं आया, कैसा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नीचे देखा ही नहीं, या फिर आप कहेंगे वो कैसे बेवकूफ़ हैं लड़के, कैसे लोग हैं जो रास्ते में पत्थर रख जाते हैं, इनको पता ही नहीं आगे गिर जाता है। कुछ चीज़ों में आप कह सकते हैं कि आपने इंटरनलाइज किया बिहेवियर को और आपने खुद से कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे देखना चाहिए था, और दूसरे केस में आपने कहा दूसरे की जिम्मेदारी थी और एक्सटर्नल इवेंट को हवाले से देखना चाहिए था। बहरहाल इंटरनल्स के हवाले से ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू द योर रिसर्च मायर्स की 2001 में कि इंटरनल्स हैव अ हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट, they are more independent, enjoy better psychological and physical health, that have more better coping strategy. और बहरहाल लेकिन high external जो people हैं they cope better and happier जब वो ऐसी environment के अंदर चले जाएँ जो ज़्यादा structured environment हो, ज़्यादा controlled environment हो, और दे high external जिनका हो वो ऐसी environment को पसंद करते हैं जहाँ ज़्यादा structure, ज़्यादा control हो, एक autocratic way से अगर उनको deal किया जा रहा हो तो they are quite satisfied in that environment. And so locus of control tell you that how people behave in organization and how will they cope with uncertainty and change. Or high uncertainty or jahan stress bahut zyada ho wahan internal locus of control ke logon ko dekha gaya hai jinhone studies ki, they able to deal with the those condition better in comparison to the external locus of control. External locus of control are more likely to suffer stress and anxiety through the overuse of smartphones. The smartphone का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल external locus of control जिनके अंदर उनके अंदर देखा गया है, और ये भी देखा गया internal locus of control जिनका हो वो ज़्यादा embedded हो जाते हैं अपनी organization में, जबकि external locus of control के लोग जो हैं वो ज़्यादा जल्दी एक organization से दूसरे organization से transition कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इसका एक काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि लोगों को इस तरीके से तकसीम करना कि वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, ऐसा कोई ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बिहेवियर है कि लोगों को इंटरनली और एक्सटर्नली एक ड्यूलिस्ट टर्म के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन ये कहा जाता है कि लोग इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होते बल्कि बोथ होते हैं,
और लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से और मेथड से और ट्रेनिंग से तब्दील भी किया जा सकता है। और इसका मतलब है कि लोकस ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सोशलाइज कॉन्सेप्ट है, लर्न ओवर टाइम, ज़्यादा टाइम से इंसान सीख भी सकता है। सबसे पहले वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है जो घर के अंदर रहता हो, और बाद में उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो जाता है, और वो दोनों चीज़ें, ये दोनों ही रवैये उसके अंदर मौजूद होने हवाले से। तो ये सोशो कॉग्निटिव थ्योरी थी पर्सनैलिटी की। उसके बाद जिसकी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्ट अप्रोच, यू आर व्हाट यू ग्रो। और तो ट्रेट अप्रोच तो बेसिकली ये बता रही थी कि किस तरह का इंसान होता है, और उसके अंदर उसके जेनेटिक फैक्टर भी हैं, लाइक यू आर अ लिटिल एक्सट्रोवर्टेड, लिटिल शाय, लिटिल क्रिटिकल एंड सो ऑन। और ह्यूमनिस्ट एक्चुअली प्लेसेस आर सेंस ऑफ सेल्फ एट द सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी, और बुनियादी मकसद ये कि इंसान जो है वो अपने फुल पोटेंशियल को, फुल ग्रोथ को, फुल अपने पोटेंशियल को रियलाइज करे, और ना सिर्फ कुछ बिट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं, जिस तरह कुछ कुछ एक खास कुछ ट्रेट्स को ना करे, बल्कि ओवरऑल एज अ ह्यूमन जो है वो ग्रो करे। वरल ह्यूमनिस्ट जो अप्रोच है वो एक नॉन रिलीजियस अप्रोच है, लेकिन एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच कहलाती है, इंसान के रवैये को समझने के हवाले से। और बेसिकली इट स्ट्रेसेस दैट के फंडामेंटली इंसान जो है वो एथिकल है, ह्यूमन सेंटर्ड एथिकल है, और इसकी बेसिक अप्रोच जो है वो ह्यूमन सेंटर्ड है, और फोकस करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टर्म आपने शायद सुनी भी हो, एब्राहम मैस्लो ने इस टर्म को यूज किया था, और वो इस जमन में एक मशहूर ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है उनको, जिसमें अब्राहम मैस्लो का शामिल है, कार्ल रॉजर्स का शामिल है, एल्बर्ट पेंड्रो का शामिल है, और दे आर कंसिडर्ड एज अ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट। एंड जो ज्यादा इन पे क्रिटिसाइज करते हैं मैस्लो के ऊपर और रॉजर के ऊपर, वो ये कहते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के को कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो इन किताबों के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो बुनियादी तौर पर वो थाट्स और फीलिंग हैं जो आपके अपनी जात के हवाले से हैं, एंड हु एम आई एंड हु शुड आई बी, इन सवालात के जवाब देता है। हम अपने आप को दुनिया के अंदर किस तरीके से देखते हैं, मतलब तरीकों से हम देखते हैं, एक तो हमारा एक्चुअल सेल्फ है कि जो कि हम हैं, और दूसरा एक हमारा आइडियलाइज सेल्फ है जो कि हम होना चाहते हैं। अगर हम उस सिमत में बढ़ रहे हैं जो हम होना चाहते हैं, तो हमें जिंदगी के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन अगर हम ये समझे कि हमारे आइडियल सेल्फ के अंदर और हमारे एक्चुअल सेल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, तो उससे हमारा एक नेगेटिव सेल्फ इमेज जो है वो नुमाया होता है, और हम अपने बारे में कुछ जज्बात और अपने ख्याल जो है वो अच्छे नहीं रखते, क्योंकि जो हम बनना चाह रहे हैं वो हम बन नहीं रहे। और अगर हम जो बनना चाह रहे हैं, अगर हम उसी सिमत के अंदर बढ़ रहे हैं, या फिर जो हमारा आइडियल सेल्फ है वो हमने अचीव कर लिया, या फिर हम उस तक पहुंच गए, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है वो हमारा एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होगा अपने बारे में। बहरहाल रॉजर की जो अप्रोच है पर्सनैलिटी के हवाले से वो यही है कि वी आर ऑल यूनिक एंड फंडामेंटली गुड पीपल, एंड ऑल स्ट्राइविंग फॉर मैस्लोज की टर्म में कहा जाए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम एक्चुअलाइज करना चाहते हैं अपने फुल पोटेंशियल ऑफ व्हाट वी बिलीव वी कुड बी। एंड फॉर रॉजर द की टू पॉजिटिव सेल्फ इमेज इज द एनवायरमेंट विद इन विच वी ग्रो, बिकॉज इट प्रोवाइड थ्री बेसिक कंडीशन एनेबलिंग दैट ग्रोथ। उस एनवायरमेंट का बहुत बड़ा किरदार है हमारे पॉजिटिव सेल्फ इमेज को क्रिएट करने के हवाले से। अकॉर्डिंग टू द रॉजर, पहली बात के पीपल मस्ट बी जेन्युइन, ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट देयर फीलिंग, जो वो महसूस कर रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस करें। नेगेटिव फीलिंग कुछ लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबती नहीं है। नेगेटिव फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ शक्लों के अंदर उनका अपना इजहार होता रहता है, इसलिए ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ इंसान अपने मुख्तलिफ जज्बात का इजहार कर सके। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं इस मामले के अंदर, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और पीपल मस्ट बी एक्सेप्टिंग इन दैट इन्वायरमेंट, अगर हम चाह रहे हैं उनकी फुल डेवलपमेंट के हवाले से, इन दैट दे वैल्यू देम सेल्फ एंड अदर, एवरी वन ओन फीलिंग शुड बी सीन विद अ पॉजिटिव रिगार्ड, और व्हाट रॉजर डिफाइंड एज अ अनकंडीशनल पॉजिटिव। किसी के फेल होने के ऊपर उसको रेप्रिमेंड करना, उसको बुरा भला कहना, उसको क्रिटिसाइज करते रहना, ये वो माहौल नहीं जिसके अंदर एक इंसान का पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बल्कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के तब्दीली, जब वो आप गलती कर रहे हैं उसे सीखें और उसके आगे बढ़ें। फिर एक फाइनल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रॉजर ने कहा एम्पैथी का। एम्पैथी का वर्ड जो है कि हम दूसरे शख्स के हवाले से उसकी फीलिंग और उसकी सोच को किस तरह समझते हैं, और किस तरह इन अपनी फीलिंग को दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं, और
एम्पथी जो है वो दूसरे की कहते हैं कि दूसरे के पाँव में जब दूसरे के जूते में जब पाँव रखें तो आपको महसूस होता है उसके जूते की क्या कैफियत है। तो दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को समझना महसूस करना ये एम्पथी कहलाता है। एम्पथी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से भी, और इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा एक अहम जुज है हमारा ये सोशल वर्ल्ड के अंदर ऑपरेट करने के हवाले से, इसलिए एक एम्पथी का एक अहम किरदार है। मैस्लो और रॉजर्स जो थे सोशो कॉग्निटिविस्ट बेंड्रा, और इनके दरमियान कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी थे इनके आइडियाज़ के हवाले से। तो और जो बुनियादी आइडिया था सेल्फ एक्चुअलाइजिंग इंडिविजुअल के हवाले से कुछ इनके कुछ ख्याल जो हैं मैस्लो के रॉजर के और वो सोशो कॉग्निटिव बेंड्रा के आपस में कुछ मसलत भी है जिसमें कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स से दे हैव अ पीक एक्सपीरियंस, जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं, दैट इज दे फाइंड देमसेल्फ एक्सपीरियंसिंग मोमेंट ऑफ ऑ एंड दीज मोमेंट हैव एडेड टू देयर एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ प्लेस इन द वर्ल्ड। दे एक्सेप्ट देमसेल्फ एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल डू नॉट जज देमसेल्फ और अदर्स हार्शली एंड दे आर रियलिस्ट एंड दे टेंड नॉट टू मेक अजम्पशन बट रादर अप्रोच न्यू थिंग्स इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। मैं आपको सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल की कुछ बातें जो हैं कुछ कॉमन बातें आपसे बता रहा हूँ। एंड दे हैव अ हाई सोशबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड दे एंजॉय बींग विद द अदर पीपल। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, दे आर ग्रेट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड हेल्पिंग अदर, बट एट द सेम टाइम दे वैल्यू देयर प्राइवेसी एंड सॉल्व इशू एंड दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एजेंसी। हाई लेवल ऑफ एजेंसी से मुराद ये कि दे आर ऑटोनमस, स्पॉन्टेनियस, नॉट ईजिली बी कंट्रोल्ड अनलेस दे वॉन्ट टू। And they tend to place a great, if not greater, emphasis on the journey rather than the destination. Process को, उस सफर को वो enjoy करते हैं और उतना ही enjoy करते हैं जितना मंजिल पे पहुंच के वो enjoy करते हैं। मंजिल के लिए वो सफर जिसे गुजर रहे होते हैं उसको वो suffering नहीं बनाते, और अपने mind, they still remain mindful about their goal, कि वो अपने goal के हवाले से mindful रहते हैं। तो भारत पर्सनैलिटी की ये तीन थ्योरीज मैंने आपसे डिस्कस की, ट्रेड थ्योरी, सोशो कॉग्निटिव थ्योरी और ह्यूमनिस्ट थ्योरी। अब पर्सनैलिटी और मैनेजमेंट का आपस में क्या लिंक है? पर्सनैलिटी जो है वो के टेस्ट जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर किए जाते हैं, लेकिन इसको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के फंक्शन तक महदूद नहीं किया जा सकता। पर्सनैलिटी लोगों फ्रॉम मैनेजिंग पीपल परस्पेक्टिव इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टू सिलेक्ट द राइट एम्प्लॉय। So in the context of the organization, we have a diverse kind collection of the individuals who are working together. And so reality ye hai ke we need to focus on that, on what some degree in stranger ke sath hum kaam kare, wo kaun hai, kya hai, kis tarike se kaam karte hain. Aur jis tarah hum logon ke sath kaam karte hain to hamari unke bare mein bhi ek sense develop hoti hai, jaise ki unke hamare bare mein ek sense develop hoti hai. अब जो भी आप अप्रोच यूज करते हैं, चाहे वो ट्रेड अप्रोच है, चाहे वो सोशो कॉग्निटिव अप्रोच है, वो ह्यूमनिस्ट अप्रोच है, वो आपकी मैनेजिंग को जो है अफेक्ट करती है। और एक ह्यूमनिस्ट मैनेजर जो होगा वो अपने जैसे लेट्स से अपने एम्प्लॉयज के हवाले से उनको डेवलप करेगा, उनको इनकरेज करेगा ताकि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक जल्द से जल्द जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी देगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुँचने के हवाले से। और जो सोशो कॉग्निटिव मैनेजर ओरिएंटेड मैनेजर होगा, they will be mindful of the type of the people that exist in the organization, ke kya unka locus of control hai, external locus of control hai, internal locus of control hai. Isi tarah jo trade based manager tha jiska rujhan hoga, aur wo unko ye dekhega kya kis tarah ke trades hai, us tarah ki jobs ke wale se, aur job mein kis tarah ke logon ko unko wahan rakhna chahiye. Bahar aap ye zarur yaad rakhiyega psychology ki theories jo hain ye aapko zyada mindful bana dengi, aap zyada जब आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, लोगों के नजरिए को समझेंगे, लोगों के परस्पेक्टिव को समझेंगे, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो पर्सनैलिटीज की थ्योरीज आपको हेल्प करेंगे। लेकिन ये आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं बनाती और ना ही आपको इस हवाले में क्वालिफाई करती हैं कि आप लोगों को जो है उनकी पर्सनैलिटीज को मैनेज करें, कैटेगराइज करें, लेबल करें सर्टेन टाइप्स के हवाले से। लेकिन बहरहाल आपको मुख्तलिफ इस हवाले से आपको कर देती हैं अवेयर कि आप लोगों की मुख्तलिफ क्वालिटीज के हवाले से भी अवेयर हो जाते हैं। और तो ये आपको हेल्प करती है कि आपकी किस तरह के लोगों के साथ मुख्तलिफ लोग हैं, लोग मुख्तलिफ हैं तो उनके साथ बिहेव और मैनेज करने के तरीका खार भी जो है वो मुख्तलिफ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।